here Sadiyar from sadiyar.co.uk and don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Now let's get into it. सबसे पहले मैं आपसे मटेरियल डिस्कस कर लेती हूँ जो इस प्रोजेक्ट में चाहिए। यहाँ पर जो स्केचबुक जो मैं यूज़ करूँगी वो विंजर एंड न्यूटन की स्केचबुक होगी और आप देख सकते हैं इसका हैवी वेट वायरो ये स्केचबुक है, A3 साइज़ है, 50 शीट्स है, हैवी वेट पेपर फॉर पेंसिल पेन इंक एंड वाटर कलर, एसिड फ्री पेपर होता है और ये अच्छा रिजल्ट देता है। ब्रशेस जो चाहिए उसमें मुझे डिटेल ब्रश, स्मॉल ब्रशेस हैं ये दो चाहिए होंगे जो आपको दिख रहे हैं, और एक सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला जो है थोड़ा बड़ा ब्रश जो है वो मुझे चाहिए होगा, और साथ में दो पेंसिल्स, एक बॉल पेन है इनमें से और एक पॉइंटर है, ये चाहिए होंगे, और ग्रेफाइट पाउडर है ये रिक्वायर होगा, और इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी की रबर और पेंसिल, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है ये गोल्ड लीफ जो है, ये डिफरेंट कलर्स के मेरे पास अवेलेबल हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे गोल्डन ही चाहिए वो, और इसके लिए एडहेसिव, ग्लाइडिंग एडहेसिव चाहिए, और बाद में वार्निश जो है वो रिक्वायर होगी। वाटर कलर यूज़ होंगे, मैं ट्यूब वाले कलर जो है वो यूज़ करूँगी यहाँ पर, और अगर आपके पास पेन में ब्रश वाटर कलर्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ट्यूब को प्रेफर करती हूँ, कोई ऐसी खास रीज़न नहीं है, बस वैसे ही मुझे ट्यूब में करना पसंद है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टेंसिल चाहिए, ये स्टेंसिल जो है मैंने खुद बनाया है, मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, और ख़ुद किस तरह से बनाते हैं ये मैंने खुद कैसे बनाया है ये कॉर्नर पे मैंने लिंक दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। और स्टेंसिल अगर ख़ुद ही बना लिया जाए अपनी पसंद के डिज़ाइन का तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इसके बाद जो पहला प्रोसेस है वो मैं पेपर के ऊपर स्टेंसिल को रखूँगी बिल्कुल सेंटर में, कोशिश करूँगी, और टेम्परेरीली जो है वो स्कॉच टेप लगा के अटैच करूँगी, और ग्रेफाइट पाउडर जो मैंने आपको दिखाया था, ग्रेफाइट पाउडर से मैं जो है सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रशेस से ये जो है इसको फैला दूँगी यहाँ पर। अब हमारे पास क्या होगा, इस स्टेंसिल का प्रिंट आ जाएगा पेपर के ऊपर। अब इसको मैं यहाँ पर परमानेंट करूँगी। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कैलीग्राफी की भी ज़रूरत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर लिखना चाह रही हूँ, मैं पेंसिल से सबसे पहले इस पर ये लिख लेती हूँ, और यहाँ पर जो है मैं सीधी लाइंस लगा लेती हूँ। पेंसिल जो है बहुत ज़्यादा दबाव दे के नहीं चलानी, लाइट सी रखनी है आपने, और यहाँ पर मैंने पॉइंटर से इसको जो है परमानेंट इम्प्रेशन दे के जो ग्रेफाइट पाउडर था उसको इरेजर से मैंने मिटा लिया है। अब चूंकि हम वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें वाटर की कुछ अमाउंट चाहिए, स्मॉल कंटेनर में मैंने कुछ अमाउंट वाटर की ली है। वाइब्रेंट कलर स्कीम जो है वो मैं चूज़ करूँगी, मैं जो है अपने डिज़ाइन को थोड़े वार्म कलर जो है उन वो ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने रेड चूज़ किया है, ऑरेंज को है वो मैंने प्रेफर किया है, और इनको अपने स्पेसिफिक एरियाज़ मैंने जो है वो इनके फिल कर दिए हैं, और कंट्रास्ट के लिए मैं ग्रीन कलर जो है वो चूज़ करूँगी क्योंकि जो है ग्रीन कलर रेड के साथ वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मैं, और ब्लैक कलर की जो है वो मैं बाउंड्री करूँगी, और बाउंड्री जो है वो मैं एक स्पेसिफिक वे में करूँगी। व्यूअर्स, आपने अक्सर वाटर कलर पेंटिंग्स देखी होंगी या की भी होंगी, तो एक वाटर कलर का एक मखसूस इम्प्रेशन होता है, मैं वो इम्प्रेशन इसको देने की कोशिश करूँगी। तो उसका एक स्पेसिफिक वे ये है कि पहले आपको वाटर पेपर की सरफेस पे लगाना होता है और बाद में कलर ऐड करना होता है, सेम उसी तरह से मैंने भी यहाँ पर ऐसे किए। ओनली बाउंड्रीज के लिए मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ बाउंड्रीज पे ऐसे करना है, पहले वाटर ऐड करना है और बाद में कलर ऐड करना है, और उस कलर को जो है फैलाते जाना है बड़े ब्रश के साथ, पहले वाटर ऐड करूँगी ये देखिए आपके सामने, और बाद में स्मॉल ब्रश के साथ ब्लैक कलर के मैं स्पॉट्स ऐड कर रही हूँ। ये बेस्ट वे है वाटर कलर के इम्प्रेशंस देने का, बाउंड्रीज के लिए मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ पेंटिंग्स में। और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा एडहेसिव, ठीक है। अब हम गोल्ड लीफ अटैच करेंगे और उसके लिए हमें एडहेसिव चाहिए, ये ग्लाइडिंग एडहेसिव है, और इसको मैं सिरामिक की छोटी प्लेट में जो है मैंने थोड़ी सी अमाउंट इसकी ऐड की है, और डिटेल्ड ब्रश के साथ मैं डिज़ाइन में जहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि गोल्डन कलर आए, गोल्डन कलर मैं ऐड करना चाहती हूँ डिज़ाइन में, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ मुझे ये ग्लू ऐड करना है, ठीक है। और ग्लू का इस तरह से है, इसमें आपको ख़ास ख्याल ये रखना पड़ेगा कि ग्लू जहाँ भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया
आपका लीफ जो है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जहाँ पे आप ग्लू ऐड करना भूल गए हैं, जिस डिज़ाइन के पार्ट में ग्लू ऐड नहीं किया वहाँ पे गोल्ड लीफ अटैच नहीं होगा। तो यहाँ जो ये मरला जो है ये बड़ा एहतियात का है, जितना सफाई से ग्लू लगेगा, जितनी नीटनेस आप ग्लू लगाने में लगाएंगे ठीक है, उतनी ही नीटनेस आपके गोल्ड लीफ में आएगी। अगर यही काम आपने जो है एहतियात से नहीं किया, ख्याल से नहीं किया, तो आपका गोल्ड लीफ जो है वो भी जो है उसमें उतनी नीटनेस नहीं आएगी। अब ब्रशेस जो है वो मैंने साफ़ करके रख दी हैं और अब हमें चाहिए गोल्ड लीफ। ये सारा सामान मैंने अपने पास ही ड्रॉर्स में रखा होता है, इसलिए बड़ी आसानी रहती है मुझे। अब गोल्ड लीफ का पैक जो है वो मैंने निकाला है, इसको अनस्क्रू कर रही हूँ मैं। ये देखिए आपके सामने, ये मुझे गोल्डन शीट चाहिए और मैंने जो है जो मैंने एडहेसिव लगाया था उसको मैंने 5 मिनट के लिए ड्राई होने दिया है, डायरेक्टली मैंने यूज़ नहीं किया, 5 मिनट के लिए ड्राई होने दिया है और लीव्स जो हैं वो मैंने उसके ऊपर अटैच कर दिए। कि सिंपल प्रोसेस है, ये लीव्स इतने नाजुक होते हैं, इनकी इतनी थिन लेयर होती है कि जो है साथ साथ ही ये टूटी जाती है। और अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिंकल्स भी पड़ रहे हैं तो उसके आपने परेशान नहीं होना। सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश लिया है और उससे जो है अच्छी तरह से पहले मैंने प्रेशर दिया है ताकि वो अपनी जगह जो है फिक्स कर ले, और उसको साथ साथ ही हल्का हल्का सा आपने रब करते जाना है, ये खुद ब खुद ही उतरता जाएगा। ये बड़ा एक खूबसूरत प्रोसेस है, जहाँ जहाँ पे ग्लू लगा था वहाँ वहाँ पे गोल्ड लीफ ने अपने आप को अटैच कर लिया और जो है बाकी जगह से जो ये जो है गोल्ड लीफ खुद ही उतरता जा रहा है, तो उतारते जाएंगे। ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रिस्टल का है, ये यूज़ करना है आपने, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना। और ये जो हमारे ये जो गोल्ड फ्लेक्स ये बचे हैं ये वेस्ट नहीं करने, इनको बिन में नहीं डालना, ये हमने जो है एक कंटेनर में इकट्ठे कर लेने, ये हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में जो है ये काम आएंगे। ये जो चीज़ है ये वेस्ट नहीं है, ये बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रह गया था अदर हाफ, हम वहाँ पर भी जो है गोल्ड लीफ लगाएंगे। और यहाँ पर देखें ये ब्रश जो मैंने चूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, जब हम ग्लू लगाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ग्लू भी सरफेस के साथ लग जाता है, वो हमने साथ साथ उतारते जाना है ठीक है, वो हम अदरवाइज नीटनेस नहीं आएगी। आप अगर इस ग्लू के साथ ही अटैच करेंगे तो ये जो है आपका गोल्ड लीफ वहाँ से अटैच ही नहीं होगा। तो आपने जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव ग्लू है वो साथ साथ जो है वो रिमूव कर देना है। ये जो है इसके बाद इसको मैंने 5 मिनट दिए हैं ड्राई होने के लिए और उसके बाद मैं गोल्ड लीफ इस पर लगा रही हूँ। गोल्ड लीफ लगाते हुए एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के पंखे बंद कर दें, आपका ये जो लीफ है वो साथ ही उड़ जाएगा। या अगर आप आउटडोर की एक्टिविटी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस दिन हवा ना चल रही हो, ब्रीजी ना हो। तो और ये देखें, ट्वीज़र साथ प्लास्टिक का था, मैंने कहा चलें उससे कोशिश करते हैं, लेकिन जो काम हाथ करता है वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। ये हम साइडों से जो एक्सेसिव लीफ था वो उतार के अपने काम की जगहों पे जो है जहाँ हम डिज़ाइन है लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगाएंगे। और दोबारा सॉफ्ट ब्रिस्टल का ये एक ब्रश है तो उससे सेम पहले हम प्रेस करेंगे और बाद में हम एक्सेसिव लीव्स जो है वो उतारना शुरू कर देंगे। तो आप भी ये प्रोसेस ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि एहतियात करनी पड़ती है, हाथ को आराम से चलाना पड़ता है। और हाँ, जितनी सफाई से आप अपना ग्लू लगाएंगे तो लीफ लगाने में कोई मसला ही नहीं है, सफाई से ग्लू लगा होगा तो लीफ में भी उतनी ही सफाई आएगी। अगर ग्लू लगाते वक्त इधर उधर ग्लू लग गया गलती से, वहाँ पर आपका लीफ जो है वो अटैच हो जाएगा और डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है, जो एक्स्ट्रा ये लीव्स हैं ये हमने एक कंटेनर में स्टोर कर लेने। ये हमारे जो है ये बड़े काम की चीज़ है, ये नेक्स्ट काम आएंगे, मैं जो है वो भी आपको बताऊंगी क्या काम आएंगे। और ये करने के बाद जो है अब हम अपनी आउटलाइन कर लेते हैं, इसके लिए मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। और पॉइंटर को यूज़ करते हुए जितनी भी आउटलाइन है डिज़ाइन की ब्लैक पॉइंटर से वो मैं कर दूँगी।
अब यहाँ पर कलर पेंसिल को यूज करने का डिसीजन वो सडन है। प्लान तो मेरा यहाँ पर वाटर कलर ही यूज करने का था, लेकिन अगर पेंसिल कलर से भी हम एक यूनिक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो हमें वो भी जरूर यूज करने चाहिए, वो भी ऐड करने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर भी मैं कंट्रास्ट कलर ही यूज करूंगी, वार्म कलर के जो भी कंट्रास्ट कलर होंगे वो यहाँ पर इसके वाइट पार्ट पे मैं ऐड करूंगी और ये बहुत प्यारा इम्पैक्ट देगा। व्यूअर्स, ये वीडियो आपने अगर यहाँ एंड तक देख ही ली है तो मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी है और आप किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, वो लाजमी मेंशन करें। अब लास्ट में ये पेज जो है वो मैं डिटैच कर रही हूँ ताकि इसको फ्रेम कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें, यू मस्ट हैव टू अप्रिशिएट मी बाय लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए व्यूअर्स, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वॉच माय अदर वीडियोस ओवर हियर। थैंक यू सो मच।